आत्मीय देखी है, मेरे से वो सब संबंध पारिवारिक संबंध देखे हैं, इस कारण से उनके मुख से जिस प्रकार से आप कह रहे हैं ये बात निकलती है। लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो है, जो निर्णय करता है, उसको भी हम सब मानते हैं कि पार्टी जिसको योग्य समझती है अध्यक्ष के रूप में या दिगर दायित्व के रूप में, हम जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम लोग पार्टी के इकाई के रूप में करते हैं और कार्यकर्ता भी उसको मानता है। तो मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को निरंतर पार्टी के लिए लगना और जो जिम्मेदारी मुझको दी जाएगी पार्टी के द्वारा, उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन जो है पूरी तन्मयता से पूरी लगन से कार्यकर्ताओं के बदौलत करूँगा। अभी लोकसभा चुनाव तैयारी में कोई कार्यकर्ता उतना लगाव इंटरेस्ट दिखाकर सड़क में तो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं दिख रहे हैं। इसका कारण पूछने पर कई कार्यकर्ताओं से ये है, अभी फिलहाल कुछ बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का कारण भाजपा छत्तीसगढ़ में हार गई, ये इस स्टेटमेंट के बाद हर कार्यकर्ता जो है अपना नाराजगी जो सोशल मीडिया में व्यक्त किया, साथ साथ में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनको मनाने का कोई, अब बिल्कुल आप जैसा जो पार्टी हाईकमांड का जो आपका जैसा लोग मनाने का कोई काम जब तक शुरू नहीं करेंगे कार्यकर्ता सामने आने के लिए तैयार नहीं है। मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना सरल है, सहज है कि उसके पीठ पर कोई हाथ रख दे, उससे कोई प्रेम से बात कर ले, वो पूरी जोश से उत्साह से पार्टी का काम करता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको स्नेह और प्यार चाहिए। और वही स्नेह और प्यार मुझको लगता है कि उसका अभाव इस सरकार के समय रहा है। जब शासन 15 वर्ष का था तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता एक प्रकार से उस प्यार और उस स्नेह को अपने नेताओं से प्राप्त नहीं कर सका, जो सम्मान उसको मिलना चाहिए था वो सम्मान उसको नहीं मिला। यही कारण है कि उसके प्रति उसके मन में नाराजगी थी और ये नाराजगी जो है इस प्रकार से व्यक्त हुई है। पार्टी के लिए वास्तव में चिंता का विषय है कि जिस पार्टी को हम भारतीय जनसंघ की पार्टी कहते हैं, भारतीय जनसंघ की उत्तराधिकारी पार्टी कहते हैं, जहाँ केवल स्नेह और प्यार के बदौलत ही हम आज शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं, तो वो केवल कोई पैसा नहीं था, कोई सत्ता नहीं थी, कुछ नहीं था, केवल नेता थे, कार्यकर्ता थे और स्नेह थी और आत्मीयता थी और पारिवारिक संबंध था, इतना ही हमारी पार्टी की एक पहचान थी। उस पहचान को ही कहीं ना कहीं हमने खोया, जिसके कारण से हमको ये विपरीत परिस्थितियां देखने को मिली है। मुझको लगता है कि पार्टी में जो चिंतन चल रहा है, पार्टी में जो मंथन चल रहा है, पार्टी में जो एक प्रकार से पूरे चिंतन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें से कहीं ना कहीं अमृत निकलेगा और कार्यकर्ता फिर से एक प्रकार से उस को जो चाहता है कार्यकर्ता, स्नेह चाहता है, प्यार चाहता है, नेताओं के प्रति आत्मीयता चाहता है, नेताओं की आत्मीयता चाहता है, वो उसको मिलेगी। सम्मान उसका वही सम्मान है, वो उसको मिलेगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सत्ता में पैर छूने वालों की राजनीति हो गई थी, चापलूसों के फौज खड़ी हो गई थी, उस चापलूसों के से पार्टी को बचना होगा, उन साल बोरों से पार्टी को बचना होगा जिन्होंने धीरे 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 करके पार्टी को अंदर अंदर नुकसान पहुँचाया है, अपनों से ही अपनों को नुकसान पहुंचा है, इस बात को भी पार्टी को सोचना होगा। और मैं मानता हूं कि पार्टी उसी दिशा में चल रही है, उस को चिंतन कर रही है, सभी जिलों में सभी मंडलों में जो एक विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, कहीं ना कहीं पार्टी को उसको कार्यकर्ताओं के मन की बात कटोलने का प्रयास राष्ट्रीय और केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व कर रहा है, उससे ही एक अच्छी पार्टी फिर से जो है, जो हमारी मूल पहचान है भारतीय जनसंघ की, उसको हम लाने में सफल होंगे। और कार्यकर्ता मुझको लगता है कि पूरे तन्मयता से, मैं चूँकि जगदलपुर भी गया था, कार्यकर्ताओं ने बहुत क्रोध व्यक्त किया, बहुत अपनी पीड़ा व्यक्त की, पूरे 15 साल के कार्यकाल को लेकर उन्होंने बहुत सी बातें कही, नेताओं पर भी आरोप प्रत्यारोप किए, लेकिन अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एक शब्द से कहा कि हमारी एक ही मंशा है कि देश में पुनः मोदी जी की सरकार बने, हम उसके लिए तन मन धन से जुटेंगे, जो प्रदेश में हमको करना था वो हमने कर दिया, लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। उपाश्री जी, और एक बात है, पार्टी कार्यकर्ताओं से इतना नाराजगी है, जो व्यक्ति बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया और उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक पदवी दी गई है, वो कैलाश मुरारकर जी को, और उसमें कई पार्टी कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर उसको पदवी दे दिया और साथ साथ में वो श्रीकांत का कुछ मैंने आरोपी भी है, पार्टी को बहुत नुकसान हो गया उसके वजह से, उससे आज पार्टी जब से राष्ट्रीय स्तर में उसको एक प्रमोशन देने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत विपरीत दिशा में नाराजगी है, इस पर आपका? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसे कुछ मिले नहीं मिले इसकी चिंता उसे नहीं होती है, लेकिन पार्टी के विरोध में काम करते, पार्टी के नेताओं के विरोध में काम करने वाले को यदि कोई तमगा मिलता है, कोई गति मिलती है, कोई पद मिलता है, तो निश्चित रूप से उसमें उसका खून खौलता है।
कि इस पार्टी में जिसके लिए हम तन मन धन से लगे हुए हैं, सारा समय अपना दे रहे हैं, उसमें यदि और अवसरवादी लोगों को, जिन लोग पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, पार्टी के नेतृत्व को प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, पार्टी के ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाते हैं, ऐसे लोगों को यदि कहीं ना कहीं कोई भी पद, चाहे केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय पद हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का पद हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो, चाहे वार्ड जिला स्तर का हो, चाहे सरकार में हो, चाहे सत्ता में हो, कहीं भी यदि ऐसा पद दिया जाता तो कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से आक्रोश होता है और उसका वो उत्साह निश्चित रूप से समाप्त होता है जो जिस उत्साह से वो काम करता रहता है। पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए जो निर्णय करता है, उन्होंने यदि ऐसे व्यक्तियों को कहीं पद पर लिया भी गया है तो उसको तत्काल हटाने की कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारा चैनल के द्वारा प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता आपसे बहुत माने बहुत सम्मान करते हैं, आपसे लगा हुआ है, आपका संदेश किस तरह संदेश देना चाहते हैं बीजेपी का आने वाले चुनाव के लिए? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पूरी तन्मयता से लगना होगा। जो भी मनभेद है, मतभेद नहीं है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद इस पार्टी में कभी नहीं होते हैं, उन मनभेदों को दूर करके पार्टी का कार्यकर्ता अंततः पार्टी के लिए काम करता है, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता है। ये जो भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है कि उस भाव को जीवंत रखना, उस भाव को स्थायी रखना, और यह पार्टी ने तो पराजय ही पराजय देखी है जनसंघ से लेकर आज तक। हम केवल वोट प्रतिशत बढ़ते थे तो मिठाई खाने वाली यह पार्टी है, उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेतृत्व तो हमको मिला, तो ऐसे पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ये भाव लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आगामी चुनाव को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। और 11 में से 11 लोकसभा सीटें जीते हैं, इसलिए कार्यकर्ता ही आधार होगा और उसी कार्यकर्ता के आधार पर हम 11 सीटें जो इस छत्तीसगढ़ में माननीय अटल जी ने जो संक्रांत के समय संकल्प लिया था और उस संकल्प के आधार पर हमने छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से 10 सीटें जीतकर दी थी, वही भाव लेकर फिर से जाएंगे। तो अटल जी के लिए वास्तव में मैं मानता हूँ कि उनके निधन के बाद ये श्रद्धांजलि होगी कि हम 11 में से 11 सीटें और छत्तीसगढ़ की केंद्र की झोली में डालेंगे। थैंक यू।